वेलकम टू सिप्पी व्लॉग्स। मेरा नाम है चंदन। तो कैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हूँ, मस्त हूँ और व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा व्लॉग लेके आया हूँ। व्लॉग भी छोटा होने वाला है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना ट्राईपॉड है ना कुछ है, सिर्फ एक हाथ है और हमारे पास एक माइक है बस। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ किसका व्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पर बैठ जाते हैं और इन भाई साहब को दिखाते हैं। तो इनको देख के तो आप पहचान ही गए होगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका नाम पता होगा, लेकिन मेरे को पता है मोस्ट ऑफ दी पीपल डज नॉट नो दिस नेम, दिस प्लांट नेम। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। तो गाइस सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो कैमरा ऐसे थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है फिलोडेंड्रोन जनाडू। तो ऐसा ही कुछ साइंटिफिक नेम है, और ये जो कॉमन नेम है उसका तो मेरे को नहीं पता। जनाडू प्लांट कहते हैं वैसे, बाकी इसका कॉमन नेम तो नहीं पता है। तो फिलोडेंड्रोन जनाडू, देखा ना कितना जहरीला सा नाम है। तो ये है भी जहरीला, ये पॉइजनस प्लांट है और एक इंडोर प्लांट है। इसको पानी तो बहुत ही कम चाहिए, ये देख सकते हैं बहुत ही कम इसमें डाला हुआ है। बस ऐसे मिट्टी जो है ऐसे हो रही है, बस देख सकते हैं आप पास से। पहले तो मैं आपको मिट्टी दिखाता हूँ। मिट्टी मैंने वैसे हाथ में दिखाई थी, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी नमी रहनी चाहिए। हमने तो आउटडोर में ही रखा हुआ है, लेकिन ये इंडोर प्लांट भी है। तो अगर आपके घर में जैसे चाइल्ड वगैरह हैं जैसे अंडर 2 ईयर्स, तो आपको ये नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से डेथ तक होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। गाइस और भी कुछ बताना था, लेकिन मैंने सोचा कि अब आप थोड़ा सा बोर हो गए होगे, इसलिए मैं खुद सामने भी आना पड़ेगा। तो मैं सामने आपके यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले ये लाते वक्त ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियाँ जो हैं वो निकलती हों। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये पत्तियाँ निकल रही हैं, तो इन पत्तियों को निकलने का मतलब, ये छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये पौधा ग्रो कर रहा है। और लाते ही इसका रिपोर्टिंग कर दो। इसका कोई सीज़न नहीं होता रिपोर्टिंग का, चाहे जब कर दो, लेकिन रिपोर्टिंग ज़रूरी है। तो इसका रिपोर्टिंग कर दो। इसकी जड़ें भी बहुत मोटी मोटी होती हैं, यहाँ पर मैंने दिखाई थी पहले भी, तो अब भी देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी इसकी जड़ें हैं। तो इनकी जड़ों को काट भी सकते हैं। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा, और इसकी एक चीज़ और मैं ट्राई करने वाला हूं कि इसकी कटिंग लग जाती है कि नहीं लग जाती। अभी ट्राई करूंगा, अभी टाइम नहीं लग रहा है, तो जब भी टाइम लगेगा मैं ट्राई ज़रूर करूंगा। और भी इसके बारे में बहुत कुछ है कि प्लांट थोड़ा सा महंगा भी है, क्योंकि इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट कोई भी लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपने सिनेमैटिक्स में पहले भी दिखा होगा कि कितना अच्छा ये मतलब डेकोरेशन के लिए है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अवेलेबल है, लेकिन 3 से पता नहीं कितने बनेंगे, वो तो अब मेरे को पता है या भगवान को पता है। तो काफ़ी बनाने की कोशिश करेंगे। और बताइए व्लॉग कैसा लगा बिना ट्राईपॉड के। और भी व्लॉग देखें, मेरे व्लॉग काफ़ी अच्छे हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है मेरे व्लॉग से। और काफ़ी हमारे यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब लगे हुए हैं, ये अलग अलग हैं। ये कोडीलाइन प्लांट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ये ग्रो खुद किया हुआ है, तो इसकी सारी, इसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इसके बारे में अभी मेरे को जल्दी पता है, यानी कि जनाडू प्लांट जो है इसके बारे में अभी मेरे को रिसेंटली पता लगा है कि इसके बारे में इतना कुछ भी होता है। तो बस बता रहा था कोडीलाइन प्लांट के बारे में, उसको तो छोड़ो, अब जिसका व्लॉग है उसी की बात करते हैं। तो यही है बस इसके बारे में कि ये पौधा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, और चाइल्ड से दूर रखिए, क्योंकि बच्चों के पास रखोगे तो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, पॉइजनस तो है इसमें। और जितने भी इंडोर प्लांट हैं, ज़्यादातर 80% जो हैं उनमें सभी में पॉइजनस, मतलब पॉइजन थोड़ा बहुत होता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से इंडोर प्लांट लगाएं, अगर आपने लगाना है। इंडोर प्लांट भी पूरे इंडोर नहीं होते, वो उसको थोड़ी सी हवा वगैरह मिलनी चाहिए। अगर हम कहें कि इंडोर हैं तो हम पूरे मतलब कमरा वैक्यूम है तो उसमें रख दें, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसमें भी हवा आनी जानी चाहिए तो ही लगाएँ।
बाकी बस थोड़ा बहुत इसके बारे में और बता देते हैं कि बाकी आपको जो क्वेश्चन होंगे सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। और बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।